अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सब दोस्तों को अपने चैनल टेक 420 के अंदर वेलकम करता हूँ। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम अपने चैनल के लिए बैनर आर्ट जो है वो कैसे बनाएं। बहुत ही इजी और आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास पीसी है या मोबाइल फ़ोन है, जो चीज़ भी है, आपने जाके गूगल या कोई भी ब्राउज़र है आपके पास, आपने जाके उसके अंदर सर्च करना है कैनवा। जैसे आप कैनवा सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो वेबसाइट ओपन होगा, आपने इसे ओपन कर लेना है कैनवा वेबसाइट को। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, यहाँ से आप इजी तरीके से बैनर आर्ट जो है बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और आपको बताता चलूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के जो न्यू अपडेट्स हैं आपको बर वक्त मिलते रहें। ये एक न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है जहाँ पे हम मुकम्मल यूट्यूब का कोर्स जो है वो सीखेंगे। जैसे आपके सामने कैनवा का वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा, आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब बैनर, आपने यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब आर्ट सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब बैनर सर्च कर सकते हैं। मैं यूट्यूब आर्ट जो है वो सर्च कर देता हूँ। आप यहाँ पे बैनर भी सर्च करते हैं, साइज़ भी एक ही है, चीज़ भी एक ही है, यानी बैनर आर्ट भी बुलाते हैं। तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे बने बनाए आर्ट जो हैं वो आ जाते हैं, आप इनमें से किसी एक को चॉइस कर लें। तो हम इसे चॉइस कर लेते हैं। इसे चॉइस करने के बाद आपने क्या करना है, कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इसकी बिना पर आप सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इमेज चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इससे आसानी आपके लिए क्या चीज़ होगा कि ये आपको बनी बनाई एक चीज़ मिल रही है, सिर्फ आपको क्या करना है उसके अंदर अपनी तस्वीर जो है, अपने चैनल का नाम जो है वो ऐड कर देना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, साइज़ का झंडा नहीं ना किसी चीज़ का, क्योंकि अगर हम किसी और एप्लीकेशन पे बनाते हैं तो वहाँ पे पहले हमें साइज़ सेट करना पड़ेगा कि साइज़ कितना होना चाहिए और दरमियान में कैसे आएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ती है। लेकिन ये जो हमें कैनवा जो बना के दे रहा है पिक्सल, वो बैनर आर्ट, इसमें प्रॉपर तरीका मुकम्मल आर्ट डिवाइसेस के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पास ज़रा नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से जल्दी से पेज जो है वो ओपन नहीं हो रहे। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, मुकम्मल जो बैनर है मेरे पास आ चुका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से नेम चेंज कर देना है, अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक 420, ये आ गया मेरे चैनल का नाम। नीचे आपने लिख देना है कि आपका जो चैनल है वो किसके रिलेटिव है। इसने लिखा हुआ है गेमिंग चैनल, आपने क्या लिखना है यहाँ पे, इर्निंग टिप्स या इर्निंग टिप्स एंड ट्रिक, आपने ये चीज़ें लिख देनी है जिसके रिलेटिव आपका चैनल हो। तो मेरा जो है वो है ट्रिक्स एंड ट्रैप्स के अलावा से। टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल, ये मेरे चैनल का नाम आ गया। और इसके अलावा ये तस्वीर हमें चेंज करनी है, इमेज जो है हमें अपना लगाना है। तो आपने इस साइड पे जाना है, यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको अपलोड का बटन मिल जाता है। आपने क्या करना है, अपलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड फाइल, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल की गैलरी में चला जाएगा, अगर आप पीसी पे हैं तो पीसी के जो फोल्डर है आपकी जो गैलरी है उसमें चला जाएगा। तो मैंने पहले से यहाँ पे इमेजेस जो है अपनी डाउनलोड करके रखी हैं, यहाँ पे अपलोड करके रखी हैं, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा इमेज आ गया। आपने क्या करना है, यहाँ जाके छोड़ देना है। पहले हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। ये इमेज मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे उठाता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये ऑटो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल हमारा जो आर्ट है वो बन के रेडी हो गया। अगर आप भी इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी और आसान सा तरीका है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चैनल के अबाउट में मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे,
आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नीचे जाएंगे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है डाउनलोड। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो बैनर आर्ट है वो डाउनलोड होके आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर जहाँ पे भी आप यूज करें वो आपके गैलरी के अंदर आ जाएगा। आप इजी तरीके से इसे अपने चैनल के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को पसंद आई है हमारे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।